नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल भिलवाड़ा में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नए स्टूडेंट, जो कि इनका क्या नाम है, कहाँ का एड्रेस है सब जानेंगे हम, और कौन सा दिन है आज इनका। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? लोकेश। कहाँ से आए हो आप गाड़ी कार सीखने? त्रिवेणी मंडलगढ़ से। और कहाँ, कौन से ड्राइविंग स्कूल से कार सीख रहे हो आप? वेलकम ड्राइविंग स्कूल से। तो आज कौन सा दिन है आपका? पहला दिन है। और कैसे चल रही है गाड़ी? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और कोई समस्या तो नहीं आ रही नहीं, आपको? बिल्कुल। बेसिक थ्योरी और प्रैक्टिकल तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? जी बिल्कुल। तो अभी अपन जैसे कौन सा गियर लगाना सीख गए हैं गाड़ी में? अभी पहला और दूसरा गियर लगाना सीखे हैं। और क्लच ब्रेक रेस तीनों का कोऑर्डिनेशन बैठ गया आपके कम्प्लीटली? जी बिल्कुल। और गाड़ी में सारी चीजें, मतलब बेसिकली इंडिकेटर वगैरह देना, हॉर्न कैसे बजाना, कौन सी स्टेप, मतलब कौन सी पोजीशन कैसे आपको एक्टिव रखनी है, हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे ये स्टीयरिंग यहाँ से क्यों पकड़नी होती है अपने को, ऐसे ताकि वो घुमाने में आसानी रहे और हॉर्न बजाने में, इंडिकेटर देने में आसानी रहे। जी बिल्कुल। और अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखना चाहिए, एक हाथ रखना चाहिए? एक रखना चाहिए, एक क्लच के लिए रखना चाहिए, एक हाथ गियर के लिए होना चाहिए, एक क्लच स्टीयरिंग के लिए। और दोनों पैरों का क्या काम रहेगा अपने? दोनों पैर का, बाएं पैर का काम है क्लच देना और दाएं पैर का काम है ब्रेक और रेस का काम मेंटेन करना। और जैसे गियरों को कब बढ़ाना है अपने को? हर 10 की स्पीड पे गियर बढ़ता है, मतलब एक एवरेज स्पीड, जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट गियर से होती है और सेकंड गियर कब लगता है अपने? 20 की स्पीड, 20 की स्पीड, 20 की स्पीड पे गियर। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई गियर लगाना है? गाड़ी वाइब्रेट होना, गाड़ी भारी चलने लग जाएगी है ना। और चलती गाड़ी में कभी क्लच दबा के रखना है कि नहीं रखना है? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कितनी देर हुई आपको सीट में बैठे हुए? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में आपकी इतनी चीज, पहले कभी आपने गाड़ी चलाई? जी बिल्कुल नहीं चलाई, बिल्कुल नहीं चलाई। तो कुल मिला के आपके विचार, मतलब आपकी सोच से तो गाड़ी चलाना मतलब आसान काम ही है? बिल्कुल आसान। जितना बैठने से पहले लगा आपको उससे तो आसानी है? जी बिल्कुल आसान। बैठने से पहले आपको लगा होगा कि भाई कैसे चलाएंगे, सीख भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? टर्निंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई आपके? जी बिल्कुल। अब जैसे सर्किल आ रहा है तो सर्किल पे अपने को क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए? स्टीयरिंग को घुमा के देखना चाहिए क्लच दबा के, ताकि ब्रेकर से भी बच सके। अरे सर्किल आ रहा है तो अपने को धीरे धीरे स्टीयरिंग को राउंड करके वापस इसको सीधी कर लेनी है। अब वापस इसको राइट साइड में टर्न करो, राइट साइड में घुमाओ धीरे धीरे, घुमाते जो हल खेल के इतने घुमाने पर नहीं घूमे, थोड़ी और घुमा लेनी है अपने को। बस अब वापस से इसको घुमा के वापस अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखना है इधर। हाँ घुमो, बस। अब जैसे वो सामने फ्रूट का थैला चल रहा है तो उसका अनुमान लगाने के लिए पहले अपने को उसके नज़दीक चलना पड़ेगा, तब जाके आइडिया लगेगा, दूर से आइडिया नहीं लगेगा है ना। जैसे थैला नजदीक आ गया तो हल्के से अपने को यूं काट के कांच पे देख लेना, राइट वाला कांच देख लेना, पीछे कोई विकल तो नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी आपको ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।